Hello students, welcome to Easy Biology Tutorials. Today we are going to start with the new chapter, that is organisms and population. Basically from today we are going to start with the new unit, that is ecology. And ecology ke andar hamara jo first chapter hai, that is organisms and populations. So let us start. Ecology is the study of interactions among organisms and between the organism and its physical environment. So ecology ke andar hum environment and population ke matlab ki what are the organisms, koi bhi living organism hai, matlab biotic and abiotic components ke hum इंटरैक्शंस को समझते हैं. बेसिकली इकोलॉजी इज कंसर्न्ड विद फोर लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हैविंग ऑर्गेनिजम्स. द ऑर्गेनिजम्स मेक अप द पॉपुलेशन, द पॉपुलेशंस मेक अप द कम्युनिटीज, एंड द कम्युनिटी मेक अप द बायोम्स. सो दीज आर द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, उससे पहले आपने ये तो पढ़ा हुआ है सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म. ऑर्गेनिज्म मेक पॉपुलेशन, पॉपुलेशन मेक कॉम्युनिटी, कॉम्युनिटी मेक्स बायोम्स. तो फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी, दैट इज इकोलॉजी एट द ऑर्गेनिज्मिक लेवल, इज द स्टडी ऑफ अडेप्टेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू एनवायरमेंट इन टर्म्स ऑफ survival as well as the reproduction. So ecology at the physiological level, ठीक है, organism level पे हम बात कर रहे हैं या फिर physiological level पे हम बात कर रहे हैं, it is the study of adaptation of organisms to environment and the survival and its reproduction. Next, हमें पता है the rotation of earth and the tilt of its axis cause annual variation in temperature and seasons. Major biomes are formed due to these variations in precipitation. Basically what is the difference between a tropical area and a desert, that is the humidity. Tropical area mein kya hoti hai, humidity zyada hoti hai, which is supporting the life of the plants and animals, जिसकी वजह से ट्रॉपिकल एरियाज के अंदर डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है, डेजर्ट एरियाज के अंदर डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा कम होती है. नेक्स्ट, द रीजनल एंड लोकल वेरिएशंस विद इन अ बायोम लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट हैबिटेट्स. मोरओवर जो लोकल लेवल पे पीपल हैं वो चेंजेस कर देते हैं, जिसकी वजह से दैट फर्दर कॉजेज द वेरिएशन इन द डिफरेंट काइंड ऑफ बायोम्स. Now, what is basically a biome? Biome distribution with respect to annual temperature, precipitation is written as follows. So, students, in the desert, desert के अंदर जो annual precipitation है वो भी बहुत ज्यादा कम है, and जो temperature है that varies from 10 to 20 degree Celsius. Then we are having Arctic and Alpine tundras, जिसके अंदर जो टेम्परेचर है दैट इज नेगेटिव, लेकिन ह्यूमिडिटी है वो अप टू 100 सेंटीमीटर तक हो जाती है, मतलब रेनफॉल जो है उसमें 100 सेंटीमीटर तक हो जाती है. अगर हम बात करें डेजर्ट्स की, तो डेजर्ट्स के अंदर जो रेनफॉल है दैट इज वेरी वेरी लेस, वेरी वेरी लेस मीन्स 5 सेंटीमीटर से कम. ग्रास लैंड के अंदर जो टेम्परेचर है दैट इज ऑल्सो फेवरेबल, एंड द humidity is also very favorable. And then we are having the tropical forest. Tropical forest ka jo temperature hai that remains 20 to 25, lekin yahan pe humidity kya hoti hai, bahut zyada hoti hai. And then temperate forest, temperate forest ke andar gymnosperms hote hain, kyunki theek hai yahan pe bhi jo humidity hoti hai that is okay, that is average, theek hai, na hi zyada na hi kam, but yahan pe jo environment hai that is ye 10 degree se leke
20 डिग्री तक वेरी कर सकता है. सो आपको इस ग्राफ को इस चीज इसके अकॉर्डिंग पढ़ना है. अगर ये है हमारी डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज द डेजर्ट, ये है हमारी डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज द ग्रासलैंड, ये है हमारी डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज द टेम्परेट फॉरेस्ट, दिस इज द कोनीफेरस फॉरेस्ट. कोनीफेरस फॉरेस्ट जो स्नोई एरियाज के अंदर फॉरेस्ट होते हैं, दे आर ऑल लोडेड विद द जिम्नोस्पर्म्स. देन द आर्टिक एंड एल्पाइन टुंड्रास, देन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. सो दीज आर द डिफरेंट बायोम्स. बायोम्स हमारे पास कौन कौन से हैं? डेजर्ट है, ग्रासलैंड है, टेम्परेट फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, कोनीफेरस फॉरेस्ट, आर्टिक एंड अल्पाइन ग्रास. ये आपको समझ आ गया, आई होप दिस इज डन. नाउ लाइफ एग्जिस्ट इवन इन द एक्सट्रीम एंड हार्श हैबिटेट्स. फॉर एग्जाम्पल राजस्थान डेजर्ट, रेन सोक्ड मेघालय फॉरेस्ट. तो स्टूडेंट्स हर जगह पे क्या है, हमारे पास लाइफ एग्जिस्ट कर रही है. लाइफ बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम हैबिटेट्स के अंदर एंड हार्श हैबिटेट्स के अंदर भी एग्जिस्ट कर रही है. डीप ओशन ट्रेंचेस, टोरेंशियल स्ट्रीम्स. तो जो स्ट्रीम्स हमेशा बहती रहती हैं डीप ओशंस के अंदर, और आई एम टॉकिंग अबाउट की वो वाले एरियाज जहाँ पे रेगुलरली रेन रहती है. तो हर एनवायरमेंट के अंदर लाइफ इज पॉसिबल, बट द मेन थिंग अबाउट दैट इज कि जो भी लाइफ है दैट इज अडैप्टेड इन डिफरेंट डिफरेंट वेज, जो अपने एनवायरमेंट को क्या कर सके, अडैप्ट कर सके. देन स्टूडेंट्स वी आर हैविंग परमा फ्रॉस्ट, सो स्नो लेडन पोलर रीजन्स एंड हाई माउंटेन टॉप्स. तो ठीक है, चाहे कोई भी टाइप ऑफ हमें स्पीशीज मिले, लेकिन लाइफ इज एग्जिस्टेबल इन एवरी काइंड ऑफ एनवायरमेंट, ऑल्दो different habitats for a different kind of life and different kind of adaptations. Then we are having the thermal springs, compost pits, etc. But bacterias are the only organisms jo har jagah pe hame milte hain. So ye hum dekh sakte hain that life exists even in the extreme and harsh habitats. Jaise Rajasthan desert, rain soaked Meghalaya forest, deep ocean trenches, torrential streams, permafrost polar regions, high mountains top, thermal springs and compost pits. Compost pits ke andar hume pata hai, except bacterias, earthworm like organisms also live. To har type ke andar different types of life milte hain jo apne environment ke according kya hote hain, adapted hote hain. Students, then we are having the biotic components. Biotic components are all the living organisms, be it bacteria, be it birds, animals, human beings, plants, kuch bhi hai. Then we are having the abiotic components. Abiotic components are mountains, rains, rivers, and etc. Now, the physicochemical components like water, light, temperature, soil, etc. And the biotic components like pathogens, parasites, predators, competitors, etc. lead to variation of different habitats. So what is the basic thing? Abiotic components and biotic components ki jo different variations hain, they are basically leading up to different kinds of habitats. So the distinct role and position of an organism in its environment is called its niche. So what is niche? Niche is ki agar main baat kar rahi hu kisi environment ki, I'm talking about a tropical forest. Tropical forest mein what role are vultures playing? तो वल्चर्स एक टाइप से सेप्रोफाइट्स का रोल प्ले कर रहे हैं, डेड एंड डीकम्पोजिंग मैटर को वो सेटल डाउन करने का रोल प्ले कर रहे हैं. सो दिस इज इट्स नीश. बाय दिस ईच ऑर्गेनिज्म टॉलरेट्स वेरियस कंडीशंस, यूटिलाइजेस वेरियस रिसोर्सेस. ठीक है, तो हमारे पास वी आर हैविंग अ डिस्टिंक्ट रोल एंड डिस्टिंक्ट पोजिशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इट्स एनवायरमेंट एंड इट इज नोन एज द नीश. And the niche of an organism settles up that what the niche of the organism tells that what is its basic role, what is its basic importance. Students, now organism and population ke wale chapter ke andar humne padha first of all ecology ka definition, humne different types of organisms ko padha, life is existible, humne different types of biomes ke bare mein padha. And different conditions of temperature and humidity ke bare mein padha biomes ke andar.
Now we are going to talk in detail about the abiotic factors, that how these abiotic factors are eventually affecting the biotic factors. So sabse pehle we are having the temperature. Then we are having the water. Then students, we are having the light. Then we are having the soil. And these are our four abiotic factors that we are having. First of all, let us talk about the temperature. Temperature is the most ecological relevant environmental factor. ठीक है, तो अगर मैं टेम्परेचर की बात कर रही हूँ, सो इट इज एनवायरमेंटल फैक्टर दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकली. देन टेम्परेचर ऑन लैंड वेरीज सीजनली अकॉर्डिंग टू द सीजन, वो वेरी करता है. अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर एंड डिस्टेंस फ्रॉम द पोल के अकॉर्डिंग वेरी करता है. फ्रॉम प्लेन्स टू माउंटेन्स वेरी करता है. ऑफकोर्स द हाइट ऑफ द प्लेस decides the temperature of the place, है ना. जैसे mountains के ऊपर बहुत कम temperature होता है, plains के ऊपर normal temperature होता है. And it ranges from sub-zero levels in polar areas and high altitudes के अंदर, हमेशा ये negative के अंदर रहता है, to 50 degree Celsius in the tropical deserts. तो tropical deserts के अंदर ये बहुत ही ज्यादा high हो जाता है. So the temperature is variable. It is most ecological relevant environmental factor that is very very important for you. You have to underline this point, most ecological relevant environmental factor. Next is average temperature in thermal springs and deep sea hydrothermal vents exceeds 100 degrees Celsius. So in some conditions temperature jo hai it can even cross the limit of 100 degrees Celsius. 100 डिग्री से भी जो है हमारा टेम्परेचर किसी भी एरिया का, दैट इज हाइड्रोथर्मल वेंट, ऐसे हॉट स्प्रिंग्स होते हैं जो बहुत ज्यादा नीचे, मतलब कि बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे होते हैं, उसमें हम 100 डिग्री से भी ऊपर का टेम्परेचर वाटर जो है देख सकते हैं. मैंगो ट्रीज कैनॉट ग्रो इन द टेम्परेट कंट्रीज. टेम्परेट कंट्रीज कौन सी होती है? वो वाली कंट्रीज जहां पे हमारा जो टेम्परेचर है वो कंपैरेटिवली लो होता है एंड ह्यूमिडिटी भी कंपैरेटिवली लो होती है. तो कनाडा, जर्मनी, इसके अंदर मैंगोज ग्रो नहीं करते हैं. ऐसी कंडीशंस के अंदर मैंगोज ग्रो नहीं करते हैं. देयर इज नो स्नो लेपर्ड इन केरला फॉरेस्ट. तो केरला के अंदर स्नो नहीं होती है, तो स्नो लेपर्ड भी नहीं मिलता है. नेक्स्ट वी आर हैविंग ट्यूना फिशेज आर रेयर बियॉन्ड ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स इन द ओशंस. तो ट्यूना फिशेज भी क्या है, ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स के नीचे हमें रेयर मिलती हैं. नेक्स्ट इज टेम्परेचर इफेक्ट्स द काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम्स, बेसल मेटाबॉलिज्म एंड अदर फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म. तो टेम्परेचर देखो, ऑफकोर्स टेम्परेचर हमारा, हमें फीवर हो गया, हमारा टेम्परेचर ज्यादा हो गया, तो इट इज इफेक्टिंग द काइनेटिक्स ऑफ द एंजाइम्स. एंजाइम्स हैं वो हिल जाएंगे, मेटाबॉलिज्म हिल जाएगा, इसीलिए फीवर के अंदर हमें थकावट फील होती है. बेसल मेटाबॉलिज्म, ऑफकोर्स द मेटाबॉलिज्म, क्योंकि एंजाइम्स आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द मेटाबॉलिज्म. एंड बाकी के फिजियोलॉजिकल फंक्शन लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, दैट मे ऑल्सो बी इफेक्टेड, क्योंकि हर चीज को करने के लिए एनर्जी चाहिए. एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए हमें एंजाइम्स चाहिए. एंजाइम्स को वर्क करने के लिए हमें टेम्परेचर एंड पीएच कंडीशंस इंपॉर्टेंट है. सो इन दिस वे टेम्परेचर इज इफेक्टिंग अवर बॉडी. नाउ बेस्ड ऑन द काइंड्स ऑफ टेम्परेचर टॉलरेंट ऑर्गेनिजम्स, मतलब कि टेम्परेचर को किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर सहन करने की कितनी शक्ति है, उसके बेस पे ऑर्गेनिजम्स आर ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म इज वी आर हैविंग द यूरीथर्मल ऑर्गेनिजम्स. नेक्स्ट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट वी आर हैविंग आर द स्टेनोथर्मल ऑर्गेनिजम्स. So urethermal organisms are those organisms, they can tolerate a wide range of temperature. So urethermal organisms are able to tolerate wide range of temperatures. On the other hand, stenothermal organisms, they can tolerate only a narrow range of temperature. ये ज़्यादा temperature
नहीं बेयर कर सकते हैं, यूरीथर्मल ऑर्गेनिजम्स ज्यादा टेम्परेचर बेयर कर सकते हैं. ठीक है, तो स्टेनोथर्मल ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? स्टेनोथर्मल ऑर्गेनिजम्स वही होते हैं जैसे स्नेक्स हो गए, क्रोकोडाइल्स हो गए, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस एंड पाइसेस इन सम केसेस, दे आर हाइबरनेटिंग एंड एस्टिवेटिंग ऑर्गेनिजम्स. तो जहां पे इनका जो टेम्परेचर है रेंज से बाहर चला गया, तब ये या तो एस्टिवेट करेंगे, एस्टिवेट मीन समर स्लीप, या फिर ये क्या करेंगे, हाइबरनेट करेंगे. So this is the case. Next abiotic factor is water. Water is also most important thing. सबसे ज्यादा important is temperature. Next we are having water. That is second most important factor. Desert organisms have special adaptations to limited water. तो डेजर्ट ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होता है, स्पेशल अडेप्टेशन होती है जिसकी वजह से दे आर एबल टू टेक मोर एंड मोर वाटर. प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स इज डिपेंडेंट अपॉन वाटर. ठीक है, तो किसी भी प्लेस की प्रोडक्टिविटी, दैट इज फोटोसिंथेसिस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे प्लांट्स मिलेंगे, कोनिफर्स मिल रहे हैं या फिर फ्लावरिंग प्लांट्स मिल रहे हैं, दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द वाटर अवेलेबिलिटी. क्योंकि सम प्लांट्स आर देयर, डेजर्ट प्लांट्स होते हैं जैसे कैक्टस वगैरह, दीज प्लांट्स डू नॉट इनटेक अ लॉट ऑफ वाटर. बट ऑन द अदर हैंड वी आर हैविंग दोज प्लांट्स जो बहुत ही ज्यादा वाटर लेते हैं. तो किसी एक प्लेस में कितना वाटर है, ग्राउंड के अंदर कितना वाटर है, दैट डिसाइड्स कि कौन से टाइप का वहां पे प्लांट ग्रो करेगा. तो सेकंड हमारे लिए एबायोटिक फैक्टर इज वाटर. नेक्स्ट इज फॉर एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स वाटर क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट. क्योंकि हमारे पास एक्वाटिक लाइफ जो होती है वो दो टाइप्स की होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज मैरीन, सेकेंड इट इज फ्रेश वाटर. तो मैरीन ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स दैट आर फाउंड इन द सी एंड द ओशंस, एंड फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स दैट आर फाउंड इन रिवर्स एक्सेट्रा. सो द सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज सैलिनिटी इन पार्ट्स पर थाउजेंड इज मोर देन, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो आपके तीनों पॉइंट्स हैं, मोर देन फाइव इन इनलैंड वाटर्स. ओके, then 30 to 35 in the sea, sorry, it's less than 5, it's not more than 5, I'm sorry for that, less than 5 in inland waters, जैसे river, lakes, streams के अंदर पानी की salt की जो concentration है, that is less than 5. In the case of a sea, we are having 30 to 35% and more than 100 in hypersaline. तो स्टूडेंट्स, व्हाट वुड यू से, अगर हमारे पास ब्रैकिश वाटर है तो उसके अंदर 5 से 30 की रेंज के अंदर सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट होगी. इफ वी आर हैविंग व्हाट जस्ट वेट लेट मी राइट इट हियर इफ वी आर हैविंग ब्रैकिश वाटर इफ वी आर हैविंग ब्रैकिश वाटर द रेंज ऑफ सॉल्ट इज 5 to 35 parts per thousand. You have to remember, it's not parts per million, it's not parts per billion, it is parts per thousand. Okay, hanji. So next we are having, based on the tolerance to salinity, based on the tolerance to salinity, organisms are of two types. First of all, organisms are urihaline organisms that tolerate a wide range of salinities. ठीक है, जैसे स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था urithermal organisms जो ज्यादा रेंज टॉलरेट कर सकते हैं, स्टेनोथर्मल जो नैरो रेंज टॉलरेट कर सकते हैं. सेम वी आर हैविंग urihaline and stenohaline organisms. ठीक है, urihaline organisms are those organisms that can bear a wider range of salt presence, and stenohaline organisms are those that can tolerate a narrow range of salinity. So next we are having, many freshwater animals cannot live for long in sea water, and many
सी वॉटर ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट लिव फॉर लॉन्ग इन द फ्रेश वॉटर, है ना? क्यों? बिकॉज ऑफ द ऑस्मोटिक प्रॉब्लम्स. वी हैड सीन एंडोऑस्मोसिस एंड एक्सोऑस्मोसिस. एंडोऑस्मोसिस, इफ यहां पे लिख रही हूं, इफ अ मैरीन हैबिटेट ऑर्गेनिज्म इज in the fresh water, it swells and bursts. If a fresh water organism is kept in marine water, it shrinks and dies. बर्स्ट होने के बाद भी मर जाएगा, श्रिंक होने के बाद भी मर जाएगा. दीज आर द ऑस्मोटिक प्रॉब्लम्स. तो ऑस्मोसिस, हमारे अंदर कौन से, वी आर व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स, हम भी स्टेनोहेलाइन ऑर्गेनिजम्स हैं, क्योंकि वी कैन ओनली टॉलरेट अ लिमिटेड रेंज ऑफ सॉल्ट, है ना? ज्यादा भी हम रेंज नहीं बेयर कर सकते, कम भी हम रेंज नहीं बेयर कर सकते. Okay students, that was all about today's class. आज की क्लास के अंदर हमने क्या क्या किया, let us see once more. हाँ जी, पहले हमने फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी एंड इकोलॉजी का मतलब समझा, ठीक है? देन हमने देखा कि रोटेशन ऑफ अर्थ के मतलब, क्योंकि हमारे अर्थ है जो, दैट इज नॉट स्फीयर, दैट इज नॉट अ कंप्लीट सर्कल, वो एक इलेप्टिकल शेप के अंदर है, जिसकी वजह से टूंड्रास, डेजर्ट्स, फॉरेस्ट आर फॉर्म्ड, है ना? ऑफ कोर्स जो रेन एंड टेम्परेचर है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इन बायोम्स की फॉर्मेशन के अंदर. नेक्स्ट वी आर हैविंग ऑर्गेनिजम्स की डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या है, एंड देन वी स्टार्टेड स्टडिंग द एबायोटिक फैक्टर्स. एबायोटिक फैक्टर्स के अंदर हमने टेम्परेचर एंड लाइट, टेम्परेचर एंड वाटर के बारे में, सॉरी, टेम्परेचर एंड वाटर के बारे में पढ़ लिया था, और वाटर के अंदर हमने मैरीन वाटर एंड फ्रेश वाटर की भी बात की. उसके अंदर हमने स्टेनोहेलाइन एंड यूरीहेलाइन ऑर्गेनिजम्स की भी बात की. ओके स्टूडेंट, सो दैट वॉज ऑल अबाउट टूडेज क्लास. आई होप यू अंडरस्टैंड इट. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.